सो हेलो एवरीबडी, दिस इज प्रीति श्रुति एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। एंड इन टुडेज सेशन हम एक स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एलिस इन वंडरलैंड। ओके, एलिस इन वंडरलैंड, तो इसका मतलब क्या? एलिस जो कि एक 7 ईयर की छोटी बच्ची है एंड सी वॉच इन वंडरलैंड। वंडरलैंड मतलब क्या है कि इमेजिनरी लैंड, एक ड्रीम लैंड, फैंटेसी वर्ल्ड। तो ये स्टोरी आपको एक अपने फैंटेसी वर्ल्ड में, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में आपको ले जाएगी, राइट? क्योंकि ये चिल्ड्रंस लिटरेचर है एंड लिविस कैरोल जो कि इसके राइटर है, ही वॉज वेरी मच फेमस फॉर चिल्ड्रंस राइटिंग। ओके, बट इनके बारे में आप लोगों को खुद ही देख लेना है, क्योंकि अगर हम दोनों डिस्कस किए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि स्टोरी ऑलरेडी बहुत ही लंबी है। इसको 12 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 12 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। बट मैं स्टोरी को डिटेल्स में समझाऊंगी, फिर वीडियो के एंड में ये जो 12 सेक्शन है इसके नेम मैं मेंशन कर दूंगी। अगर आप स्टोरी समझ लेते हो अच्छे से तो इसके हर एक चैप्टर भी आप इजीली ऑटोमेटिक समझ जाओगे, राइट? ओके, तो ये स्टोरी में एलिस जो कि छोटी बच्ची है, जब वो वंडरलैंड पहुंच जाती है तो उसके हर एक एक्सपीरियंस एंड एडवेंचर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है स्टोरी में, ठीक है। एंड ये स्टोरी पब्लिश्ड हुआ था 1865 को पब्लिश्ड हुआ था। एंड इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ओके, बट यहाँ पर मैंने कुछ मेजर कैरेक्टर्स को मेंशन किया है, दैट इज एलिस, व्हाइट रैबिट, क्वीन ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ हार्ट्स, नेब ऑफ हार्ट्स, चेशर कैट, मेड हैटर, मास हेयर, डॉजेस, द माउस, डोडो, डॉग, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जैसे कि लोरी, बेबी, पॉपी, द गार्डनर, फीस द फूडमैन, फ्रॉक द फूडमैन, कैटरपिलर, ओके, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं बट दीच वो आर द मेजर वन। ओके, तो हम डायरेक्ट चलते हैं स्टोरी के ऊपर। ओके, तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एलिस से, एलिस जो कि एक छोटी बच्ची है 7 ईयर की। तो एलिस अपनी सिस्टर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए वो एक गार्डन में गए होते हैं, ओके, एंड इन दैट गार्डन एलिस की जो सिस्टर है वो एक बुक पढ़ना शुरू कर देती है। बट एलिस को उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगती, क्योंकि उसमें तो ना तो कोई पिक्चर्स होते हैं और ना ही कुछ फेरी टेल्स टाइप होती है। तो एलिस बोर हो जाती है, ओके, एंड वो बोर हो जाती है एंड गार्डन में इधर उधर देख रही होती है। एंड सडनली उसकी नज़र पड़ती है एक वाइट रैबिट के ऊपर जो कि बहुत ही हड़बड़ी में होता है एंड भाग रहा होता है। बट वो जो वाइट रैबिट होता है वो बहुत ही क्यूट दिख रहा होता है एंड वो एक जैकेट भी पहना हुआ होता है, ठीक है। तो वो साइट एलिस को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, ओके, एंड व्हाइट रैबिट जब भाग रहा होता है, थोड़ी देर भागने के बाद वो अपनी पॉकेट से एक वॉच निकालता है एंड देखता है एंड बोलता है कि अरे मैं तो बहुत ही लेट हो गया, एंड अगेन वो भागने लगता है। तो वो साइट की जब वो व्हाइट रैबिट खुद के साथ बात कर रहा है, इतना सुंदर दिख रहा है, वो साइट एलिस को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है एंड वो बिना कुछ सोचे उस रैबिट को फॉलो करने लगती है, ठीक है। तो जब वो फॉलो करती है तो रैबिट एक होल में, थोड़ी दूर जाने के बाद एक होल में कूद जाता है, ओके, एंड एलिस भी बिना कुछ सोचे उस रैबिट के उस होल में गिर जाती है। एंड वो होल जो है वो बहुत ही गहरा होता है, बहुत डीप होता है, ओके, बहुत ही डीप होता है। तो एलिस जब गिर जाती है तो वो बहुत नीचे चली जाती है। एंड जब वो गिर रही होती है उसको ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे उसके चारों ओर सब कुछ घूम रहे हैं एंड वो आसमान से गिर रही है बहुत नीचे, ओके, एंड उसके चारों ओर जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, खाना, क्लोथ्स, फर्नीचर, टेबल, चेयर, सब घूम रहे हैं जैसे, ऐसा वो फील करती है, ओके, एंड जब वो बहुत ही नीचे चली जाती है तो एंड में बॉटम में एक गद्दा में गिर जाती है, ओके, गदा में गिर जाती है। जब वो उठती है तो खुद को एक वंडरलैंड में पाती है, ओके, एक वंडरलैंड में पाती है एंड उसके सामने एक बहुत ही लंबा सा कॉरिडोर होता है, ओके, एंड ये कॉरिडोर के बोथ साइड बहुत सारे रूम्स होते हैं, ओके, बट इनके जो डोर्स हैं वो क्लोज्ड होते हैं, ओके, बहुत सारे रूम्स होते हैं, ओके, तो एलिस को समझ नहीं पाती है कि ये कहाँ पहुँच गए, ओके, बट ये कॉरिडोर में आगे बढ़ती है, ओके, एंड लास्ट में एक टेबल मिलता है जहाँ पर कि एक की रखा हुआ होता है, ठीक है, एक की रखा हुआ होता है, एक गोल्डन की, ओके, फिर वो की उठाती है एंड वो रूम में हर एक डोर में ट्राई करती है, बट ये की बहुत छोटा होता है एंड ये डोर्स बहुत बड़े होते हैं तो फिट नहीं आते हैं।
फिर रूम में थोड़ा एक्सप्लोर करती है, इधर उधर देखती है, तो उसकी नज़र पड़ती है कि एक कॉटन के पीछे एक छोटा सा डोर है, ठीक है। फिर वहाँ पर वो चाबी को ट्राई करती है एंड वो खुल जाता है, ओके। एंड जब वो खुल जाता है तो उस साइड एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन देखती है, ओके। बट वो डोर बहुत छोटा होता है तो वो एंटर नहीं कर पाती है, ठीक है। फिर ये टेबल में एक बोतल रखा हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ होता है ड्रिंक मी, ओके। फिर एलिस बिना कुछ सोचे उस मैजिकल ड्रिंक को पी जाती है, ओके। उस मैजिकल ड्रिंक को पी जाती है, जब वो पी जाती है तो उसकी साइज छोटी हो जाती है, ओके। एंड ये भी एक मुसीबत आ गई कि उसकी साइज तो छोटी हो गई, वो तो एंटर कर पाएगी बट वो चाबी जो है वो तो टेबल में रह गई एंड वो पहुंचा नहीं पाई, ओके। तो अगेन मुसीबत आ गई, फिर वो ओरिड हो जाती है एंड अगेन वो रूम में थोड़ा इधर उधर देखती है तो उसकी नज़र पड़ती है कि एक फ्लोर में, उस फ्लोर में एक केक गिरा हुआ होता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है ईट मी, ओके। अगेन वो केक को खा जाती है, जब वो केक को खा लेती है तो उसकी साइज अगेन बढ़ जाती है, अगेन वो टॉलर बन जाती है, ओके। अगेन वो टॉलर बन जाती है, ओके। तो वो घबरा जाती है कि कहाँ फंस गई, क्या हो रहा है उसके साथ, कभी साइज छोटा हो जा रहा है, कभी बड़ा हो जा रहा है। एंड जिसके लिए वो वहाँ पर आई थी, जिसको फॉलो करते करते वो वहाँ पर आई थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। तो बहुत ही ओरिड हो जाती है, कुछ कर नहीं पाती है, बहुत ही ओरिड हो जाती है एंड वो रोने लगती है, ओके। एंड वो इतना रोती है कि उसके टीयर्स के समंदर बन जाते हैं, ओके। टीयर्स के ओशन बन जाते हैं, इतना रोती है। जब ओशन बन जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स, ओके, लाइक योर क्रोकोडाइल, स्नेक, डॉग, एलिफेंट, बहुत सारे जो क्रिएचर्स होते हैं वो उस पानी में, मतलब उस टीयर्स के समंदर में वो बह जा रहे होते हैं, ओके। एंड मीनवाइल वो वाइट रैबिट भी उसमें बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है, दौड़ दौड़ के जा रहा होता है। फिर एलिस उसको बुलाती है कि थोड़ा रुको, कहाँ भाग रहे हो, थोड़ा रुको, वेट करो। बट वाइट रैबिट उसको कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, कुछ सुनता ही नहीं है, वो भाग जा रहा होता है। जब वो भाग रहा होता है तो उसके हाथ से ग्लोव्स एंड हैंड फैन गिर जाते हैं, तो एलिस उसको उठाती है, उस ग्लोव्स को एंड हैंड फैन को उठाती है, ओके। एंड जब वो हैंड फैन को उठाती है एंड थोड़ा यूज़ करती है, हवा करती है, तो अगेन उसकी साइज जो है छोटी हो जाती है, ओके। एंड जब उसकी साइज छोटी हो जाती है तो वो भी अपनी टीयर्स के ओशन में वो भी बह जाती है, ओके। वो भी बह जाती है एंड एंड में वो एक गार्डन में पहुंचते हैं, जहाँ की, जहाँ पर कि बहुत सारे क्रिएचर्स सब गीले हो गए होते हैं, तो वो अपनी क्लोथ्स को ड्राई कर रहे होते हैं एंड खुद को ड्राई कर रहे होते हैं एंड वहाँ पर व्हाइट रैबिट भी होता है, ओके। तो यहाँ पर जो व्हाइट रैबिट है वो मिस्टेकनली एलिस को अपना मेट समझता है, अपना सर्वेंट समझता है एंड वो एलिस को ऑर्डर करता है कि तुम जाओ मेरे रूम में, ओके, एंड मेरे रूम में जाओ एंड मेरे ग्लोव्स एंड हैंड फैन लेके आओ, ओके। यहाँ पर मैं रूम बना रही हूँ, ओके, आपको एक इजीली याद रहेगा, उसके लिए मैं बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम ये एक रूम में एंटर की थी जहाँ पर उसको की मिला था, ठीक है। अगेन और एक रूम में वो एंटर करती है, ठीक है। जब वाइट रैबिट उसको ऑर्डर करता है कि तुम जाओ मेरे रूम में और मेरे ग्लोव्स एंड हैंड फैन लेके आओ, तो एलिस क्या करती है, जंगल में उस वाइट रैबिट के घर जाती है एंड उसके घर जाती है एंड उसके हैंड फैन एंड ग्लोव्स उसको मिल जाते हैं, ओके। बट वहाँ पर भी एक टेबल होता है जहाँ पर एक बोतल रखा हुआ होता है एंड वहीं पर भी लिखा हुआ होता है ड्रिंक मी, ओके। एंड वहीं पर भी एलिस बिना कुछ सोचे उस मैजिकल ड्रिंक को पी जाती है। जब वो पी जाती है तो उसकी साइज बहुत ही बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी, मतलब एक जेंट की तरह बहुत बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि उस घर में उसकी जो हेड है वो एकदम रूप से टकरा जाती है, वो ऊपर हील भी नहीं पाती, बहुत बड़ी हो जाती है। एंड उसको देख के जो बाकी क्रिएचर्स बाहर वेट किए थे, जो बाहर थे, वो सब डर जाते हैं एंड उसके ऊपर पत्थर मारने लगते हैं, वो एलिस के ऊपर, ठीक है। जब पत्थर मारने लगते हैं तो जो भी पत्थर एलिस के आसपास गिरते हैं वो केक में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, वो केक में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो एक केक को एलिस उठाती है एंड खा लेती है, जब वो खा लेती है तो उसकी साइज बहुत छोटी हो जाती है, अगेन बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है। तो वो
फिर जब छोटी हो जाती है तो रूम से बाहर आती है एंड वो गार्डन में ऐसे घूम रही होती है, ऐसे घूम रही होती है, तो उस गार्डन में एक पॉपी से मिलती है, एक पॉपी से मिलती है, ठीक है। एंड वहाँ उसको रियलाइज होती है कि वो कितनी छोटी बन गई है, कितनी छोटी दिख रही है, क्योंकि उस पॉपी के कंपैरिजन में वो बहुत छोटी दिख रही थी। ओके, आपके सामने एक चींटी जैसा दिखेगा लाइक दैट, उस पॉपी के कंपैरिजन में एलिस ऐसी दिख रही थी। ओके, तो वो बहुत ही ओरिड हो जाती है कि वो अपनी ओरिजिनल साइज में कैसे आ सकती है, बहुत ही डर जाती है। ओके, एंड वो उस गार्डन में ऐसे मूव कर रही होती है, वंडर कर रही होती है, घूम रही होती है, एंड वो एक मशरूम से टकरा जाती है। ओके, एक मशरूम से टकरा जाती है, एंड उस मशरूम में एक ब्लू कैटरपिलर होता है। ओके, ब्लू कैटरपिलर होता है, तो ब्लू कैटरपिलर से पूछती है कि मैं अपनी ओरिजिनल साइज में कैसे आ सकती हूँ। तो ब्लू कैटरपिलर जो कि एक हुक्का पाइप लेके मज़े कर रहा होता है, तो वो एडवाइस करता है कि ये मशरूम के एक साइड अगर तुम खाओगे तो तुम्हारी साइज जो है वो छोटी होगी, दूसरे साइड खाओगे तो अगेन बड़ी होगी तुम्हारी साइज। ओके, तो एलिस दोनों साइड से टुकड़ा टुकड़ा करके थोड़ा थोड़ा खा के अपनी साइज को मेंटेन करती है एंड वो अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाती है। ओके, ओरिजिनल साइज में आ जाती है। फिर जब आगे बढ़ती है, वो गार्डन में जब घूम रही होती है, तो वो मिलती है एक फिश से, एक फिश से जो कि एक फूटमैन है। फूटमैन मतलब क्या, फूटमैन मतलब क्या, बटलर। ओके, मतलब डॉचेस के सर्वेंट को फूटमैन कहा जाता है। ओके, तो एक फिश से मिलती है जो कि एक इनविटेशन लेके जा रहा होता है, एक इनविटेशन लेके जा रहा होता है डॉचेस के पास। ओके, डचेस के घर एक इनविटेशन लेके जा रहा होता है, तो उस फीस को मिलती है, उसके साथ वो चलती है। वो फीस अगेन उस इनविटेशन को फ्रॉक द फूटमैन, फ्रॉक द फूटमैन को मतलब दे देता है। दो फूटमैन है, डू रिमेंबर, एक फीस एंड एक फ्रॉक। ओके, फीस जो कि एक फूडमैन है, वो इनविटेशन लेके जा रहा होता है, क्वीन की इनविटेशन, एंड फ्रॉग जो कि डॉचेस की फूडमैन होता है उसको दे देता है, ठीक है। एंड फ्रॉग लेके जाता है उस डॉचेस के पास। ओके, एंड वो इनविटेशन क्या होती है कि क्वीन ने डॉचेस को इनवाइट की होती है एक क्रॉके गेम के लिए। ओके, उस इनविटेशन होती है, तो वो फ्रॉग के साथ वो डॉचेस के घर जाती है। एलिस मतलब थर्ड नंबर, घर जाती है। ओके, जब उस घर को जाती है तो वहीं पर डॉचेस एक अपनी बेबी को लेके खड़ी हुई होती है। ओके, एंड वहीं पर एक चेशर कैट होता है। ओके, जब एलिस वहाँ पर पहुँचती है तो ओके, वो लोग तो होते हैं, एंड कुक जो है, कुक उस डॉचेस की कुक, वो कुक कर रहा होता है अपनी किचन में, ठीक है। बट क्या होता है कि वो जो कुक है वो अपनी करी में बहुत सारा मिर्ची दे देता है, जिसके वजह से सबको स्नीजिंग आ जाती है। ओके, एंड जिसके वजह से वो बेबी भी रोने लगता है, ठीक है, बेबी भी रोने लगता है। तो वो डॉचेस उस बेबी को एलिस को दे देता है कि तुम इसे खिलाओ, इसे संभालो। ओके, एंड वो क्रॉकी खेलने जा रही है क्वीन के साथ। ओके, क्रॉकी फील्ड में। ओके, वो बोलती है ओके, तो बेबी को दे देती है एंड डॉचेस चली जाती है। वहीं पर जो चेशक केट है, सब तो स्नीच कर रहे हैं उस मिर्ची की वजह से, बट जो चेशक केट है वो हंस रहा होता है। तो वो एलिस पूछती है कि तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो, तो बताता है कि वो एक चेशक केट है। वो ऑर्डर करता है, ऑर्डर नहीं मतलब ऐसे ही बोलता है कि तुम जाओ एंड मेड हैटर, मेड हैटर एंड मार्च हेयर से मिलो, बट डू रिमेंबर वो थोड़े पागल हैं, ठीक है, ये बोलता है चेशक केट एलिस को। फिर वो एलिस ओवे करती है उसको, चली जाती है इनके खोज में। तो एक गार्डन में, एक डाइनिंग में ये दोनों बैठे हुए होते हैं एंड टी पार्टी कर रहे होते हैं, राइट, टी पार्टी कर रहे होते हैं। ये दोनों बहुत ही अजीब होते हैं। ओके, ये दोनों बैठे हुए होते हैं एंड इनके मिडिल में एक डॉर्माउस होता है, एक डॉर्माउस होता है, जैसे कि ये डाइनिंग टेबल हुआ, यहाँ पर जो है मैड हैटर है बैठा है एंड यहाँ पर जो है मार्सियर बैठा है, एंड यहाँ पर एक डॉर्माउस होता है जो कि सोया हुआ होता है, एंड इसको ये दोनों तकिए के जैसे यूज़ कर रहे होते हैं, तकिए के जैसे यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब ऐसे अपना हाथ देख के ऐसे बैठे हुए होते हैं। ओके,
तो वो सीन उसको थोड़ा ऑकवर्ड लगती है कि कैसे ये लोग बैठे हैं. ओके एंड उस मीटिंग एलिस को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये दोनों पूरे वंडरलैंड में ये दोनों बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं एंड यूजलेसली वैल्यूलेस बातें बोलकर इरिटेट करते हैं. ओके एंड बहुत सारे रीडल्स थ्रो करते हैं जिससे कि एलिस फेड अप हो जाती है. ओके इरिटेट हो जाती है एंड ये जगह छोड़ के चली जाती है. ओके जब वो जगह छोड़ के चली जाती है तो ऑन द वे वो एक ऑन द वे वो एक पेड़ को देखती है जहाँ पर कि एक डोर लगा हुआ होता है. ओके वो वहाँ पर एंटर कर जाती है. ओके तो हाँ, और एक चीज़, ये डोर में भी एक की रखा हुआ होता है, सॉरी की नहीं होती है, बहुत ही छोटा सा होता है, एक पेड़ में एक डोर होता है, बहुत ही छोटा सा होता है. ओके तो एलिस जो वो मशरूम के, ये मैंने बोलना भूल गया था कि वो मशरूम खा के अपने ओरिजिनल साइज में तो आ जाती है, बट दोनों साइड से एक एक टुकड़ा अपने हाथ में लेके चल रही होती है. ओके तो यहाँ पर जब और एक डोर देखती है तो उस मशरूम के जो टुकड़े को थोड़ा खा लेती है, अपनी साइज फिर से छोटी हो जाती है एंड ये रूम में वो एंटर कर जाती है. ठीक है, ये डोर में एंटर कर जाती है. जब वो एंटर कर जाती है तो ये वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल से गार्डन में पहुंच जाती है जिस जो गार्डन की क्वीन ऑफ हार्ट्स की है. ओके एंड उस गार्डन में जितने भी गार्डनर थे वो वाइट रोजेस को रेड पेंट कर रहे थे. ओके रेड पेंट कर रहे होते हैं तो एलिस पूछती है कि तुम ये वाइट रोजेस को पेंट क्यों कर रहे हो रेड कलर में. तो वो लोग बोलते हैं कि क्वीन ऑफ हार्ट्स को रेड रोज बहुत पसंद है, बट अनोइंगली उन्होंने वाइट रोज प्लांट कर दिए हैं एंड अगर ये क्वीन को पता चल जाती है तो वो उनको बीहेडेड कर देगी, इसीलिए वो वाइट रोजेस को रेड कलर कर रहे हैं. ओके तो वो बताता है ऐसे एंड वो पेंट कर रहे होते हैं. मीनवाइल वो क्वीन ऑफ हार्ट्स गार्डन में एंटर लेती है बहुत सारे सोल्जर्स के साथ. ओके एंड क्वीन ऑफ हार्ट्स गार्डन में जब एलिस से मिलती है तो उसकी आइडेंटिटी पूछती है एंड क्वीन एलिस को इनवाइट करती है अपनी क्रॉकी फील्ड में. ओके गेम खेलने के लिए तो एलिस बिना कुछ बोले वो भी कर रही है, वो भी उस क्रॉकी प्लेग्राउंड में जाती है एंड पूरे वंडरलैंड में. ओके एलिस ने अपने लाइफ स्पान में कभी ऐसा गेम नहीं देखा था. वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सा गेम था जहाँ पर कि लीफ फ्लैमिंगोस को मैलेट्स की तरह यूज़ किया जा रहा था. ओके फ्लैमिंगोस को मैलेट्स की तरह यूज़ किया जा रहा था एंड हैच हॉक्स को बॉल्स की तरह यूज़ किया जा रहा था. ओके फ्लैमिंगोस को मैलेट्स की तरह यूज़ किया जा रहा था एंड हैच हॉक्स को बॉल्स की तरह यूज़ किया जा रहा था. तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सा गेम था. ओके बट ऑन द जो गेम स्टार्ट तो हो जाती है बट इन द मिडिल ऑफ द गेम जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को बॉल्स मारने लगते हैं एंड थोड़ा जो इनडिसिप्लिन सा हो जाता है गेम में. ओके एंड और एक बात मैंने बताना भूल गया कि क्वीन ऑफ हार्ट्स के जितने भी मेयर हैं, जितने भी गार्डनर हैं, वो सब प्लेइंग कार्ड्स के तरह होते थे. प्लेइंग कार्ड्स के तरह मतलब कैसा कि ऐसे एक प्लेइंग कार्ड्स की तरह, ये तो क्वीन ऑफ हार्ट हुआ. ओके ऐसे ऐसे दिख रहे थे, एक कार्ड के पत्तों के जैसे थे ये लोग. ओके तो जब प्लेग्राउंड में थोड़ा इनडिसिप्लिन सा आ जाता है तो क्वीन ऑफ हार्ट्स इरिटेट हो जाती है, गुस्सा हो जाती है एंड ऑर्डर देती है कि सारे प्लेयर्स को बीहेडेड कर दिया जाए. ओके सारे प्लेयर्स को बीहेडेड कर दिया जाए एंड ये गेम को बंद कर दिया जाए. ओके फिर क्या होती है, प्लेग्राउंड में और एक क्रिएचर होता है ग्राइफोन. क्या है, ये एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसके बॉडी तो एक लायन की होती है बट उसके हेड एंड विंग्स एक ईगल की होती है. ओके तो ग्राइफोन एलिस को ले जाता है एक मॉक टर्टल के पास ले जाता है. ओके मॉक टर्टल एक सी शोर में बैठ के रो रहा होता है, वो रिग्रेट कर रहा होता है अपने पास्ट डेज को लेके. ओके एंड जब ग्राइफोन उसको लेके जाता है उसके पास तो मॉक टर्टल अपने पास्ट डेज के बारे में बताने लगता है कि हाउ दे यूज टू प्ले टुगेदर, हाउ दे यूज टू एंजॉय इन द स्कूल टुगेदर, फिर हाउ कैसे उसके यंग एज में, नॉट इन यंग एज बट
पास्ट डेज में वो एक रियल टर्टल हुआ करता था, बट अब वो एक मॉक टर्टल है, ठीक है। वो सब बताता है, एंड ये भी बताता है कि इन देयर स्कूल डेज कैसे वो दोनों एक लॉबस्टर क्वाड्रिल LOBSTER लॉबस्टर क्वाड्रिल, ये दिस इज द फॉर्म ऑफ डांस, एक डांस फॉर्म है, ठीक है, जहाँ पर कि लॉबस्टर एक मराइन क्रिएचर है। ये डांस फॉर्म में आपको अपनी कंपनी के हिसाब से एक लॉबस्टर को लेके जाना होता है, ओके जाना होता है। तो एक डांस फॉर्म है कि वो बताता है कि कैसे वो खेला करते थे, कैसे डांस कर रहे थे, वो सब बताता है, ओके। एंड रिग्रेट कर रहा होता है कि अब वो रियल टर्टल नहीं है, एक मॉक टर्टल है, एंड उसको कुछ कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, राइट। तो वो सब पछताता है, एंड दैट टाइम क्वीन ऑफ हार्ट्स ऑर्डर देती है, नॉट क्वीन ऑफ हार्ट्स, मतलब क्वीन ऑफ हार्ट्स के नाम से एक केस चल रहा होता है एक्चुअली, कि केस क्या है कि क्वीन ऑफ हार्ट्स एक दिन एक टार्ट बना रही थी, टार्ट बना रही थी। टार्ट क्या है, एक तरह की पेस्ट्री है, खाने की चीज़ पेस्ट्री है, तो वो बना रही थी, एंड नेव ऑफ हार्ट्स ने उसको चोरी कर लिया। तो इस मैटर को लेके कोर्ट में जो है केस चल रहा होता है, एंड उस टाइम जो फाइनल रिजल्ट आने वाला था वो मतलब अनाउंस होता है। तो सारे क्रिएचर्स जो हैं, सारे एनिमल्स जो हैं, वो सब कोर्ट में जाते हैं। तो इन दैट कोर्ट में जो जज होता है, दैट इज़ किंग ऑफ हार्ट्स जज होता है, ओके। एंड वहाँ पर विटनेस के हिसाब से फर्स्ट इनवाइट किया जाता है हेटर को, फिर सेकेंड आता है कुक, एंड थर्ड में बुलाया जाता है एलिस को। बट एलिस बोलती है कि वो तो कुछ नहीं जानती है, ठीक है, वो इस मैटर में कुछ नहीं जानती है। तो जब कुछ नहीं जानती है बोलती है, तो क्वीन ऑफ हार्ट्स बहुत गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें कुछ तो बताना होगा, गुस्सा हो जाती है, ठीक है। एंड वहीं पर जो वाइट रैबिट होता है, वो एक एविडेंस के तौर पर एक पेपर में लिखा हुआ होता है कि जब क्वीन ऑफ हार्ट्स खाना बना रही थी, जब टार्ट्स बना रही थी, तब नेप ऑफ हार्ट्स ने उसको चोरी कर लिया, कुछ पीसेस उसके चोरी कर लिए, वो एविडेंस के तौर पर पड़ता है, ओके। एंड ऑन द अदर साइड जब एलिस मना कर देती है कि वो इसके मैटर में कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं बोलेगी, तो क्वीन ऑफ हार्ट्स को बहुत गुस्सा हो जाती है, एंड उसको बीहेडेड करने की धमकी देती है, ओके। बट एलिस जो है वो बिना डरे वो बोलती है कि मुझे डर नहीं लगता, एंड मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, एंड मैं कुछ नहीं बोलूँगी, एंड व्हाई शुड आई फॉलो यू, इवन व्हाई शुड आई ओबे यू, क्योंकि तुम तो मेरे क्वीन भी नहीं हो, तो मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूँगी। तो जब ये बोलती है एलिस, तो क्वीन ऑफ हार्ट्स बहुत गुस्सा हो जाती है, एंड क्वीन ऑफ हार्ट्स एंड उसके सारे मेड्स जो प्लेइंग कार्ड्स के जैसे दिख रहे थे, वो सब एलिस की तरफ मतलब उड़ उड़ के आते हैं, एंड एलिस को ऐसे मतलब एक साइक्लोन के जैसे घेर लेते हैं, उसके चारों तरफ मतलब उड़ते हैं बहुत स्पीड से, एंड एक साइक्लोन जैसे उसके और हर एक चीज़ को मतलब खींच लेता है, लाइक दैट क्वीन ऑफ हार्ट्स एंड उसके सारे मेट्स एलिस को ऐसे गोल गोल उसके चारों ओर घूमते हैं, एंड उसको अपनी ओर खींच लेते हैं, एंड एलिस जा पहुंचती है एक गार्डन में, गिर जाती है। जब उस गार्डन में वो आँख खुलती है, तो उसके सामने उसकी सिस्टर बैठी हुई होती है, एंड वो उठा रही होती है, ठीक है। एंड जब उठती है तो एलिस को असल में रियलाइज़ होती है कि ये जितने कुछ भी हुआ ये सब तो वो एक ड्रीम था, एंड फिर बोलती है कि अरे ये तो कितना सुंदर सा ड्रीम था, एंड फिर अगेन वो अपनी सिस्टर को सुनाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एलिस इन वंडरलैंड, बहुत ही इजी सा है, राइट। बट आपको इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, वो आपको याद करना है, एंड डू रिमेंबर, मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि यहाँ पर देखो चार डोर यूज़ होते हैं, हर एक डोर में एक एक स्टोरी है। फर्स्ट रूम में जब एंटर करती है तो वो कॉरिडोर देके एक रूम में एंटर करती है, ठीक है,
ये स्टोरी आपको यहाँ लिखना है। फिर सेकेंड टाइम जब वो रूम से बाहर आती है, वो ओशन ऑफ टीयर्स में जब बाहर आती है तो वाइट रैबिट से मिलती है सेकेंड टाइम, एंड वाइट रैबिट उसको ऑर्डर देता है कि उसके घर जाके उसकी हैंड फैन एंड ग्लोब्स लाओ। तो ये सेकेंड रूम है जहाँ पर वो एंटर करती है। यहाँ पर एक स्टोरी है, ठीक है, कि जब वो सेकेंड रूम में जाती है तो उसकी साइज बड़ी हो जाती है, जब वो ड्रिंक पी लेता है फिर बहुत लोग सब उसे मारने लगते हैं, फिर केक फिर वो पत्थर केक में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो अपनी छोटी साइज में आ जाती है, ठीक है। फिर घूम रही होती है, फिर गार्डन में कैटरपिलर के थ्रू, अरे वीडियो क्या हो गया, ओके, फिर कैटरपिलर के थ्रू वो मशरूम के थ्रू वो साइज ओरिजिनल साइज में आती है, एंड फिर वो थर्ड टाइम वो फुटमैन के थ्रू वो थर्ड रूम में पहुंचती है जहाँ पर वो डॉचेस होती है, ओके। फिर वो डॉचेस की स्टोरी आप लिखोगे कि डॉचेस जो है उसको क्वीन ने इनवाइट किया होता है क्रॉकी गेम के लिए, राइट, फिर वो लिखोगे तुम, एंड फिर वो बाहर आ जाती है एंड अगेन उस गार्डन में और एक वो डोर देखती है, एक पेड़ में एक छोटा सा डोर होता है जहाँ पर वो मशरूम खा के छोटी हो जाती है, एंड फर्स्ट टाइम तो वो उस ब्यूटीफुल गार्डन में एंटर नहीं कर पाई होती है, बट सेकेंड टाइम ये सोचती है कि ये गार्डन में ये एंटर करेगी, एंड ये जाती है तो वहाँ क्वीन ऑफ हार्ट्स की जो सुंदर सा गार्डन होता है, ओके, तो डू रिमेंबर कि चार ही डोर में वो एंटर करती है, हर एक डोर में एक एक स्टोरी है, उस हिसाब से आप याद करोगे तो बहुत ही इजीली, बिना कंफ्यूज हुए, बिना कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फंसोगे नहीं, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा चार रूम में वो एंटर करती है। ये क्वीन ऑफ हार्ट्स के जब गार्डन में वो एंटर करती है तो वहाँ पर वो क्वीन उसको क्रॉकी गेम के लिए इन्वाइट करती है, फिर वहीं पर लीफ फ्लैमिंगोस को मैलेट्स की तरह यूज़ किया जा रहा होता है एंड हैचहॉक्स को बॉल्स की तरह यूज़ किया जा रहा होता है, फिर वहीं पर थोड़ा जो इनडिसिप्लिन आ जाता है तो गेम स्टॉप हो जाता है एंड वो ऑर्डर आता है, अनाउंस होता है उनके कोर्ट के फाइनल रिजल्ट की, तो सब कोर्ट में जा पहुँचते हैं एंड कोर्ट में जब एलिस की बारी आती है तो वो कुछ बताती नहीं है एंड वो बोलती है कि वो क्वीन तो उसकी क्वीन है नहीं, तो वो उसको क्यों ओबे करेगी, क्यों कुछ एविडेंस देगी, क्यों कुछ बताएगी। तो जब वो उसकी बातों की मतलब मानती नहीं है, फॉलो नहीं करती है, तो क्वीन बहुत गुस्सा हो जाती है एंड उसको मतलब क्वीन एंड उसके हर मेट्स उसको ऐसे गोल गोल घूम के उसके चारों तरफ उसको साइक्लोन, मतलब साइक्लोन तो नहीं, मतलब एलिस को ऐसे मतलब ऐसे उसके चारों ओर घूम घूम के हवा की तरह ओके उनके और खींच लेते हैं एंड वो एलिस खुद को पाती है गार्डन में गिरी हुई सोई हुई, एंड जब वो उठती है तो रियलाइज़ करती है कि अरे ये सब कुछ तो एक ड्रीम था एंड कितना सुंदर सा ड्रीम था। जब वो उठती है तो उसके सामने उसकी सिस्टर को मिलती है। तो इतनी सी स्टोरी है, चार रूम है जहाँ पर एलिस एंटर करती है एंड हर एक रूम में एक एक स्टोरी है, इस हिसाब से आप याद करोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा एंड कैरेक्टर्स भी बहुत ही सुंदर सा कैरेक्टर्स है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, हाँ और एक बात मैंने अब बोला भूल गई कि जब वो लोग वो टीयर्स ऑफ ओशन में जब फ्लोट करके जा रहे होते हैं, ठीक है, जब स्विम करके जा रहे होते हैं तो उसको राइटर ने एक कॉकस रेस बोला है। कॉकस रेस मतलब क्या कि एक ऐसा रेस जहां आप ऐसे गोल गोल तो घूम रहे हो, ऐसे जा रहे हो, बट उसमें ना तो कोई विनर होता है ना कोई लूज़र होता है, बस आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे रेस कर रहे हो, एक दूसरे के पीछे पीछे भाग रहे हो, उसको कॉकस रेस कहा जाता है। तो जब सारे एनिमल्स उस ओशन में बह के चले जा रहे होते हैं एक दूसरे के पीछे पीछे, तो राइटर ने उसको कॉकस रेस बोल के इंडिकेट किया है, ओके। एंड ये एक आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, और एक चैप्टर है पीक एंड पेपर, चैप्टर नंबर 10 में है। पीक एंड पेपर मतलब क्या कि ये सब कुछ मैं बता रही हूँ जो मैंने स्किप कर दी है, ठीक है। तो पीक एंड पेपर मतलब क्या कि जब एलिस उस डॉचेस के घर पहुँचती है तो जो कुक खाना बना रहा होता है तो वो जब मिर्ची बहुत दे देता है तो उसको पेपर बोला जाता है, पेपर, पीक एंड पेपर। एंड जब वो बेबी रोने लगती है तो उसको उस रोने की स्टाइल को डॉचेस
पीक नाम से इंडिकेट करती है, तो उस चैप्टर का नाम हो गया पीक एंड पैप। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, मैं 12 सेक्शन जो डिवाइड है हर एक चैप्टर की नेम मेंशन कर दूंगी, एंड इतने में आपको सारे चैप्टर्स इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिस इन वंडरलैंड। मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाते हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, अगर समझ में आया थोड़ा भी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर मोर एंड मोर अमंग योर फ्रेंड्स, क्योंकि बस उसी एक चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, ओके, कि आपका थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। ओके, एंड डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। मैं बता रही हूँ आपको, ये चिल्ड्रंस लिटरेचर है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस इतना है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बट आप इनको इस तरह से याद कर सकते हो कि एलिस जब एक रूम में जाती है तो उस रूम में एक स्टोरी, फिर सेकेंड रूम में और एक स्टोरी, फिर थर्ड रूम में और एक स्टोरी, एंड ऐसे करके वो चार रूम में एंटर करती है, एंड चार रूम में हर रूम में एक एक स्टोरी होती है, एंड कुछ कुछ गार्डन में होती है। सो इतना कि कंफ्यूज मत होना कि वो कितने सारे डोर्स खोलती है और कितने सारे जगह पहुंचती है और कितने सारे रूम पहुंचती है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो चार रूम में एक स्टोरी है। ओके, इस तरह से आपको याद कर लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट, फिर मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।